Yo, what's happening guys, my name is Loggy और आज हम फिर से चपाती भाई के वर्ल्ड में हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ ये क्या कर दिया, टाइम चेंज कर दिया ना ताकि दिन में मस्त दिखे। या तो आपने रात कर दी। एक और बात मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ES World का डाउनलोड चाहिए तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना होगा। Okay, let's go. तो लास्ट वाली वीडियो में लॉगी हमने ये सारा यहाँ पे घूम लिया था। ये सारा पीछे जो है, जो यहाँ पे ये जो ये बिल्डिंग, ये सारा हमने कवर किया था, ये बिल्डिंग भी देख ली थी और वो वाली ये भी देखी, ट्री हाउस भी देख लिया, तबेला भी देख लिया, ये छोटा सा घर भी देख लिया, ये टेम्पल भी देख लिया, ये कैसल भी देख लिया था, भी देख लिया, ये मैकडोनल्ड भी देख लिया, लाइब्रेरी का घर है वो भी देख लिया, और वो एक लाइब्रेरियन लोगों की ट्रेडिंग वाली बिल्डिंग है वो भी देख ली, और नीचे एक वेल है ये भी देख ली, एक ये शॉप है ये भी देख ली, और हाँ। यहाँ पे हमारा अंडरग्राउंड सीक्रेट फार्म है इसके नीचे वो भी देख लिया, पे है? ये बिल्कुल नीचे इसके नीचे ये जगह तो मिल गई, ये भी देख लिया था हमने, और फार्म और ये रहा। आज हम शुरू करते हैं अपने घर से जो की है इस तरफ, आ गया मैं इंसानों की तरह के अंदर आना है, प्लीज नो नो टंकी। ओके, तो ये रहा हमारा सबसे पहला लिविंग रूम जहाँ पे हम बहुत टाइम बिताते हैं, ठीक है। जापान से आया नहीं है, जापान से यूज करते हो, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी छोटी है यार, फर्नेस तभी तो कह रहा हूँ, छोटी सी किचन है, फर्नेस एकदम डबल लगाए हैं, ब्लास्ट फर्नेस पूरा ब्लास्ट कर दो, ब्लास्ट में ब्लास्ट। देख रहा हूँ ये पेंटिंग किस चीज की है, ये बस है हमारी, और यहाँ भी गाइस हमारे बाहर जाने का रास्ता है ताकि हमें गार्डन में से अगर कोई फसल वगैरह चाहिए तो फटाफट से हम लेके आ सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस टू गार्डन, ठीक है, अच्छा सही है सही है। देख रहा हूँ गाइस हम यहाँ से थोड़े बहुत यहाँ पर भी हमने खेती बाड़ी करके रखी हुई है यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ से गाइस ऊपर जाते हैं, और ये रहा बेडरूम, घर के अंदर से ऊपर का रास्ता नहीं है, नहीं तो बेडरूम में जाइए, ये रहा हमारा बेडरूम फटाक, वाओ क्या बात है। बेडरूम में दो बालकनीज हैं, एक यहाँ पर जहाँ देखता हूँ, इस तरफ का नजारा लेते हैं गाँव का, ठीक है, और इस तरफ है दूसरी बालकनी जो की, अरे बाप रे क्या कर रहा है भाई, पीछे उठाओ, पीछे मैं आगे का हूँ, और उस तरफ से गाइस हम गाँव का नजारा लेते हैं यहाँ से, तो दोनों तरफ से ये है हमारा डबल बालकनी वाला घर, और एक बालकनी ऑब्वियसली हमारे घर के सामने भी है जो कि है इस तरफ, ये बालकनी हाँ ये मैंने बनाई है, तो ये पूरा गांव को जो मेन टाउन सेंटर है, टाउन सेंटर, तो यहाँ पे हम नजारा लेते हैं। वैसे नजारे में तो कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गोलम खड़े हैं बहुत सारे, ये पता नहीं क्यों इतने गोलम स्पॉन कर रहे हैं यार, गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कितने सारे गोलम्स क्यों आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, विलेज है ना। दूसरी बात, और ये क्या कर रहा है यार, तो और अंदर जाते यार, इनका पता नहीं क्या मसला है, तो ये क्या हो रहा है, छोटा सा शीप फार्म, तो यहाँ पर हम रंग बिरंगी बकरियां बनाते हैं, ये सब मेरी और क्यों देख रहे हैं, ये मुझे खाएंगे तो नहीं, उन्होंने कभी इंसान नहीं देखा, अच्छा। तो ये है गाइस हमारा छोटा सा शीप फार्म बिल्कुल यहाँ पे, और एक डेकोरेशन के तौर पे एक छोटी सी मतलब की खेती बाड़ी हमने यहाँ पे बना के रखी है, ये मॉन्यूमेंट है, यहाँ बात है, ये मॉन्यूमेंट है, खतरनाक बिल्कुल खेती बाड़ी, और कैक्टसेस गाइस मेरे को बहुत पसंद है, तो मैंने हर जगह पे कैक्टसेस उगा के रखे हैं, और इनको उगाने के लिए इतनी वो भी नहीं चाहिए होती, और बिल्कुल ठीक साथ में इस तरफ गाइस एक और छोटा सा हमारा गार्डन है ये रहा, और यहाँ पे हम गन्ने वगैरह उगाते हैं, और मुझे जूस मिलेगा गन्ने का, नहीं अभी बाद में आना, और ये है घर के पीछे वाला हिस्सा, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर भी दरवाजा बनाकर किचन के पीछे से भी एक्सेस कर लूँ, लेकिन नहीं टू मच एक्सेस हो जाएंगे, टू मच दरवाजे हो जाएंगे, तो ऐसे ही ठीक लग रहा है मेरे को, एकदम मस्त लग रहा है, ठीक है, okay, हाँ, सही है। और इसके बाद गाइस एक और मॉन्यूमेंट फाउंटेन, ये बीच में कैसे घुसा मेरे को पता भी नहीं है, बाहर निकल, बीच में कैसे घुसा है पता नहीं, नारा होगा शायद, नारा जंग लग जाएगा तेरे आर्यन को, कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे आता है हमारा मैप एडिटर का घर, Wow. तो ये हमें मैप देता है एडवेंचर बचाने के लिए, ये घर ये रहा, अच्छा। और ये बिल्कुल उसी घर के ठीक नीचे हमने दो कमरे किराए पर डाले हुए, तो ये अच्छा। देखिए एक कमरा ये रहा, दूसरा कहाँ पे, एक ही कमरा भाई इसका घर अच्छा, है ना, तो वो नीचे यहाँ पे रहता है और ऊपर अपने लिए यहाँ से जाके ना अपने लिए यहाँ पे मैप बनाता है, ठीक है, छोटी सी बालकनी भी यहाँ पर है, अपने लिए एक कार्टोग्राफी टेबल भी रखा है, और यहाँ पे इसने एक शागिर्द भी रखा है भाई साहब, ये 500 रुपए घंटे का देता है इसको, मैं भी काम करूंगा, और यहाँ पे गाइस सीधा ठीक हमारे सामने ये है हमारे गांव का होटल, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बेड पड़े हुए हैं, और यहाँ पर सारे लाइब्रेरियंस आते हैं, सब एक ही तरह के बेड है यहाँ पे, वही तो होटल है ना, तो हमारे गांव का छोटा सा होटल है, अच्छा एक व्हाइट वाला, तो यहाँ पे लाइब्रेरियंस आए रहते हैं, ठीक है, नहीं, देख, देख, व्हाइट वाला क्यों है पता नहीं, पागल है वो, रुई खत्म होगी ना हमारे स्टॉक में, रुई नहीं होगी, अच्छा व्हाइट वाला डाल दिया। उसके बाद एक और वाटर फाउंटेन बिल्कुल टाउन के बीचों बीच, यहाँ पे होता था लावा, अच्छा तो लावा से मैं ज्यादातर गाइस खुद ही मरता था, तो मैंने लावा चेंज करके यहाँ पे पानी डाल दिया, पानी स्मूथ नहीं है यार, क्या स्मूथ नहीं है, सिर्फ एक ही ब्लॉक कवर किया आपने, कोई बात नहीं बाद में कर लूंगा,
तो अभी तो ग्रेटे में खेल रहे हैं ट्यूर करने के लिए, बाद में कर दूंगा। हाँ सही है सही है। उसके बाद आती है हमारी एक छोटी सी बुक शॉप जो कि बहुत बिजी होती है, हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे बुके वगैरह खरीदारी कर रहा होता है। हाँ बात है। तो ये रही गाइस हमारी बुक शॉप, इस तरफ छोटी सी बुक शॉप और ये बंदा बहुत तेज है, ये यहाँ से देख रहा हूँ मैं। और ये रही हमारी लाइब्रेरी। अच्छा ये रहा मैकडॉनल्ड्स, यहाँ से मतलब क्या सब कुछ मिल सकता है यहाँ। तो यहाँ पर मुझे बर्गर मिलेगा, तो रैंडम कभी बर्गर नहीं खाया तो ये मुझे मैकडॉनल्ड लग रहा है। तो नीचे देख तो ये है लाइब्रेरी गाइस, तो यहाँ पे अपने आके ऑर्डर देना फट फट फट, और यहाँ से आप उठा सकते हो, ऑर्डर दीजिए और यहाँ से उठा। दो लार्ज फ्राइज, दो लार्ज है, मैकडॉनल्ड्स नहीं है भाई। नहीं वो कलर आपने ऐसे ही बनाया है। ऊपर ऊपर है गाइस हमारी छोटी सी एक कॉफी शॉप यो। अच्छा तो ऊपर मैकडॉनल्ड है, फिलहाल बंद है कॉफी शॉप, तो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग चल रही है, तो फिलहाल कॉफी शॉप अभी खुली है। लाल ग्लास क्या बात है, एक मिनट मुझे बाहर से देखना, यहाँ से क्या देख रहा है यहाँ से लाल ग्लास। वो अरे नीचे आते कॉफी शॉप अभी लॉक्ड है। अच्छा वो कॉफी शॉप लॉक इसलिए किया है क्योंकि यार विलेजर ऊपर भाग जाते हैं और नीचे नहीं आते, अच्छा उतारना पड़ता बार बार। हाँ तो आप बोल रहे कुछ, आपकी कॉफी सही होगी ना इसलिए कॉफी सही होगी ऊपर भाग रहे। एनीवेज तो ये गाइस पीछे हमारे गांव का एक छोटा सा फाउंटेन, फ्रेश पानी यहाँ से आता है और यहीं से कहाँ से आ रहा है दीवार के अंदर से, इसी पानी से पहाड़ों का पानी है फ्रेश, पता तेरे को। अच्छा पहाड़ों का पानी फ्रेश आ रहा है, देख रहा हूँ नीचे सही मजे ले रहे हैं वो। और बात सुन, और ये रही कॉफी शॉप की ऊपर से आप देख सकते हो, ये रहा मैकडॉनल्ड ऊपर से, और ये कॉफी शॉप है भाई, खराब कर। अच्छा कॉफी शॉप ओके, मैकडॉनल्ड में भी कॉफी मिलती है। इसके बाद गाइस हमारा आता है ये वॉच टावर, बहुत ही विशाल बाहर से पीछे से देखते हैं, बड़ा मजा आता है यार। तो ये है गाइस हमारा वॉच टावर सही बनाया है, और इससे हम पूरे गांव के ऊपर नजर रखते हैं, ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ लाइब्रेरियंस होते रहते हैं, ये गांव के ऊपर पूरी बकायदा नजर रखी जाए और पूरी मतलब कि। और आपको पता है गाइस पीछे यहाँ पर इस तरफ कहां इस तरफ इस तरफ यहाँ पर एक पिलेजर टावर भी है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रेडे होती है। अच्छा वहाँ तो वहाँ तो मैं भी था, और तभी हमने ये वॉच टावर बनाया कर रखा है ताकि हम दूर से उनको देख सके, अगर वो आ रहे हो तो हमें पता लग जाए। क्या बात है सही है यार। अंदर से वॉच टावर का तौर दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं नीचे से आता हूँ। तो ये है वॉच, ओ मैं कहां चला गया यार, तो एक मिनट। तो ये है गाइस वॉच टावर, देख रहा हूं नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो वॉच टावर में कुछ नहीं होता, बस आगे बंद है। ओ आगे बंद है, अरे ये इसको भी इसलिए बंद करके रखा है क्योंकि यहाँ पे विलेजर भाग जाते हैं और नीचे नहीं आते। तो आप क्या चाहते हो, ऊपर जाएं तो अच्छा है ना, बस रास्ता है। चलो आके मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ, मैं उड़ के जा रहा हूँ, यहाँ से आ जाइए इस तरफ से भाई, मेरे इस तरफ से आ जाइए, चले गए। ये पहला फ्लोर इधर पहला माला कहाँ पे, ये रहा नीचे, ये रहा। तो यहाँ से आप आ सकते हैं, कहाँ आ गया, तो इधर अंदर भी नहीं है, फिर राइट में सीढ़ियां बनी हुई है, पूरा बकायदा पूरा आठ डक हमने पूरा करके रखा हुआ है, इतना अंधेरा है यार। ये रहा दूसरा माला, तो यहाँ से वाओ ये क्या है, ये उधर भी जाएंगे, वो कबाब बना रहा है। अच्छा कबाब, उसकी कबाब ना बन जाए। अच्छा उसके बाद गाइस ऊपर चक्कर रिव्यू में घूम घूम के तू कितना तेज जा रहा है भाई। अच्छा ऊपर कुछ भी नहीं, फाइनल माला। अच्छा ये रहा, और यहाँ से गाइस हम पूरे नजारा लेके ना पूरी माइनक्राफ्ट की धरती को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि हमारे शहर के ऊपर कोई हमला तो नहीं कर रहा। वो पूरी सिक्योरिटी एकदम टाइट है भाई, एकदम जूम इन करके देख रहा हूँ मैं, देख ले। उसके बाद गाइस थोड़ी बहुत वीड्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है शॉप के पास, ये भी हमारे मतलब कि पेट्स वगैरह लोगों के लिए, हमारी पेट्स बहुत ज्यादा ही हो रही है। अच्छा तो गाय आपने वहाँ सामने रखी है दूसरे साइड पे, और वीट तो पहले यहीं पे थी ना, पहले यहीं पे थी, हमने मूव नहीं किया अभी तक। अच्छा बहुत ज्यादा होते हैं हमारे विलेज में एवरी डे, ठीक है, थोड़ा सा फेंस भी लगा है। और ये रही हमारे लैम्प पोस्ट जहाँ पे रात को लाइट देते हैं लैम्प पोस्ट, और ये लैम्प पोस्ट सही बनाया। एक और झूमर, ये गेट है, इसके नीचे से जाना पड़ता है, गेट है, क्या बात है, हमारा गेट मेटल डिटेक्टर देख लो, ये हमारा गेट है, ये रात को, ये तो मेरा घोड़ा है, चले पहले वहां तक मैं गया नहीं हूँ। ये है हमारा गेट जो कि रात को बहुत ही खतरनाक लेवल की रोशनी देता है, हमारा गेट पता तेरे को। और इसके बाद ठीक एक मॉन्यूमेंट घंटी यहाँ पे बजती है, तो कोई परेशानी हुई ना तो घंटी मत बजा, भाग गए ना सारे, अब काम कौन करेगा, तू पागल रहोगी, कोई बात नहीं है छुट्टी है। तो घंटी सिर्फ वार्निंग के लिए ऐसे नहीं बजाते, ठीक है। तो ये है हमारा फाउंटेन, उसके साथ में घंटी लगी हुई है, और फाउंटेन के साथ है भाई एक और छोटा सा गार्डन, मॉन्यूमेंट गार्डन यहाँ पे घास उगती है। और यहाँ पे गाइस आते हैं हमारे ब्लैक स्मिथ के घर, जहाँ पे ये दिन रात बैठ के हमारे गांव वालों के लिए और हमारे लिए आर्मर वगैरह बनाते हैं, तो यहीं पे सोता है बेचारा। और ये अच्छी है, सही है मस्त है ना, मस्त घर है। तो ये है इसका वर्किंग टेबल, ये रहा इसका चेस, ये रहा इसका कॉल्ड्रन जो कि बिल्कुल खाली, पानी पूरा यूज कर लिया इसने यार, मत करियो कुछ मत करियो, आ गया घर में, सो भी गया, रात हो गई है ना। और उसके बाद ठीक यहाँ पर आए तो ये इसकी स्टोरेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ज्यादा सामान रखता है अपना, चोरी का सामान जो है ना, जो नहीं दिखता या जो सामान रेडी है वो यहाँ पर रखता है, ठीक है ओके। उसके बाद गाइस एक और घर आता है, तो वैसे रात हो चुकी है, हमें थोड़ी बहुत आवाज नहीं करनी चाहिए, तो सारे सो रहे हैं, गाय आ गई खाने, कोई बात नहीं, खुदा खुदा ऑटोमेटिक गाय,
तो ये रहा एक और घर जहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं आया, खाली पड़ा हुआ। अरे है अंदर, अबे छोड़ दे उसको भाई, नहीं है कोई भी नहीं अंदर। तो ये एक और घर है, अंदर जाके देखिए। और ये बहुत ही शानदार, एकदम छोटा सा कारपेट यहाँ पे लगा है, ग्रीन वाला। गांव के बीच वाले घर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो मून देखो, एकदम फुल मून है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है गांव के बीच वाले घर, पता है तेरे को। और ये हमारे घोड़ों का तबेला, घोड़ों की पार्किंग। अच्छा सही है, इनका नाम है घोड़ों की पार्किंग। देख भाई एकदम नाम क्या है, एक का नाम है आकाश और दूसरे का नाम अभी तक हमने सिलेक्ट नहीं किया। और रात हो चुकी है भाई, रात के अंधेरे में गांव एकदम मस्त लग रहा है। देखिए भाई नाइस, ऊपर से कितना खतरनाक व्यू है यार, देख लो। तो ये है अपना गांव रात के अंधेरे में, क्या बात है। जूम इन मत करना, जूम इन मत कर। ओके तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से गाइस चीफ का घर। और खतरनाक है यार, आराम से जाना। चीफ के घर में लोग सो रहे होते हैं। कम ऑन, इस दिस वे। ये चीफ का घर आपके घर से क्यों अच्छा? ये चीफ का घर है भाई, गांव का चीफ है। तो ये रहा गाइस चीफ का घर। आराम से, आराम से गाइस। यहाँ पे तीन चार बंदे सो रहे हैं, चीफ के गार्ड्स देख रहा हूँ। और यहाँ पर चीफ की अंडरग्राउंड फायर भी है, देख रहे हो? ये अंडरग्राउंड फायर। और यहाँ पे चीफ ने बड़ी मतलब मस्त तरीके का डेकोरेशन करके रखी है चीफ ने भी, यहाँ पे देख रहे हो? देख रहा हूँ, चीफ ने बड़ी खतरनाक है। और इसके बाद गाइस चीफ के घर को जरा ऊपर से जाके देखे तो ऊपर का रास्ता कहाँ है यार? ये रहा, तो ज्यादा ऊपर भी सो रहे हैं ये, अभी तक जाग रहा है। आराम सो गया, इसको बेड नहीं मिलेगा। आराम से ऊपर भी, मुझे लगता है ये चोर है। नहीं चोर नहीं, जैसे ही ऊपर आया वो ले लिया। और ये सारे चीफ के गार्ड्स हैं भाई, आराम आराम से डेकोरेशन तो देखिए भाई क्या देख रहा हूँ। देख भाई साहब, जूम इन मत करना, जूम इन मैंने नहीं किया। तो ये है गाइस चीफ का घर। ये ब्लू लाइट आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइट किस चीज की है? किसकी है? ये टेराकोटा ब्लॉक है। और चीफ की बालकनी देखिए, कोर आ गया, कोर आ गया। वो सर्वेंट है, रात को जागता रहता है। चोर है, चोर। चोर नहीं है, वो सर्वेंट है उनका। अच्छा। और ये रही गाइस चीफ की बालकनी जहाँ पे वो सारा नजारा लेता है गाँव का, एकदम से बढ़िया। यो तू देख ले खतरनाक है, वो क्रॉस देख कैसे चमक रहा है लाल रंग का। ये तो मैंने देखा भी नहीं था। ओके एनीवेज, खतरनाक है यार, हमें भी सोना चाहिए। ऊपर भी है, छत भी है। अच्छा, चीफ के पास बड़ी छत है यहाँ पे, यहाँ पे कैंपिंग। तो मैं नीचे गिर गया। ये रही चीफ की छत, और चीफ की छत के ऊपर बहुत खतरनाक गार्ड हमने लगा कर, मैं नीचे गिर गया। कॉलम कहाँ पे? ये रहा। ओ अभी भी कबाब बना रहा है। ये आग है, यहाँ पे आग चल रही है। तो दूर से पता लगेगा ना चीफ का घर है ये, तभी आग है। ये सिग्नल है भाई, तो वो क्लास के अंदर आग लगी सामने, कितना खतरनाक लग रहा है। और उसके बाद आप यहाँ से ऊपर भी एक माला और ऊपर जा सकते हो। यहाँ पर तेरी चीफ का घर बड़ा खतरनाक है यार, ऊपर मैं भी खरीदूंगा, ऊपर जा सकते हो। तो ये रहा फाइनल, यहाँ पे बड़ा अंधेरा है। यहाँ पे यहाँ पर चीफ के लिए हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं कि चीफ कोई हमला ना करे, ठीक है? अच्छा वैसे यहाँ पर भी थोड़ी लाइट लगानी चाहिए आपको। नहीं अंधेरे में पता नहीं लगता ना, फिर मजा आता है। तो ये देखिए गाइस, ये रहा हमारा विलेज रात के अंधेरे में। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा भाई, कितना तो बड़ा विलेज है भाई, यहाँ पर भी हमें देखना है। हाँ, और इधर देखे तो रात के अंधेरे में बहुत खतरनाक लग रहा है। ओए में तो बहुत खतरनाक नाइस, मुझे लगा नहीं था रात के अंधेरे में इतना जबरदस्त लगेगा। ओके तो चलिए गाइस, आई थिंक अभी इस वीडियो में इतना काफी। होप यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, एंड बाय बाय।